press the bell icon so you never miss any video from Momo's Kitchen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं घोटवा साग बना रही हूँ। इसको पालक दाल भी कहते हैं, दाल पालक भी कहते हैं, घोटवा साग भी, लेकिन हमारे यहाँ इसको घोटवा साग कहते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप लाल दाल लिए, इसको भिगो दिया है। डेढ़ कप ये छिलकों वाली दाल है मूँग की, इसको भिगो दिया धो के। पाँच से छः अदद हरी मिर्चें चाहिए, 4 अदद लहसुन के जवे, 2 छोटी प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 कप पालक चाहिए बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। मैंने कुकर लिया है, इसमें मैं दाल डालूंगी। बहुत मज़े का बनता है ये। दाल डाल डाल दूंगी, लहसुन के जवे हैं ये डाल दूंगी, छोटी प्याज हैं 2, ये डाल दूंगी, अदरक काट के पीसी हुई अदरक भी ले सकते हैं काट के, इसका अदरक डाल दी, ये हरी मिर्चें हैं ये डाल दिए, ये हल्दी मिर्चें और नमक ये डाल दिया। 2 कप के करीब पालक डालूंगी। बिस्मिल्लाह, बस और डालूंगी, बस इसमें पानी डालूंगी, उबालने रख दूंगी, फिर इसका भगार बाद में हम तैयार करेंगे। ये मैं पानी डालूंगी, इसमें ज़रा सा और डालूंगी, फिर ये पकती रहेगी अपनी। मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, मैं इसको पकने दूंगी। मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, अब मैं इसको बंद कर दूंगी, इसको पकाएंगे। ये तैयार हो गई है माशाल्लाह से, कितना अच्छा घुट गया देखें, हल्की आंच पे पका है। अब मैं इसका भगार बनाऊंगी। मैं भगार तैयार करूंगी, 3 हरी मिर्चें लिए, इनको काट के डालूंगी इसके अंदर, 4-5 जवे लहसुन के हैं और आधा कप तेल चाहिए। इसका भगार हम ऊपर से लगाएंगे। ये मैंने हरी मिर्चें और लहसुन काट लिए, अब मैं इसमें तेल डालूंगी, आधा कप के करीब तेल डालेंगे। ये मैंने डाल दिया तेल इसमें, जब ये दोनों चीज़ें लाल हो जाएंगी तो फिर मैं ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर।
ये दोनों चीज़ें लाल हो रही हैं। अब मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। ये लाल हो जाएगा तो मैं इतने दाल इसमें निकालती हूँ। घोटवा साग जो है, फिर ऊपर से मैं भगाड़ लगाऊंगी, गरम मसाला छिड़कूंगी इस पर। ये ज़रा सा लाल हो जाए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये घोटवा साग मैंने बाउल में निकाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं भगाड़ लगाऊंगी। इस पर गरम मसाला डालूंगी इसके ऊपर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे खाएं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालिए। जज़ाकअल्लाह खैर।